नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को खुश बनाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स। जानते हैं आज के कौन से वास्तु टिप्स आप अपने कमरे में यूज करें जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहें। अक्सर हमने देखा है कि लड़की हो या लड़का, शादी से पहले हजारों सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए वे हमेशा उस कोशिश में लगे भी रहते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद उनके सपने कुछ तो टूट जाते हैं, कुछ पूरे होते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बाद। लेकिन वह इस वजह से हो सकता है कि वास्तु टिप्स, कभी कभी वास्तु इतना खराब हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें दोनों में दरार पैदा हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दाम्पत्य जीवन में जितनी कोशिशें करने के बाद कोई सुख मिलता है तो वह सिर्फ एक की कोशिशों से नहीं होता है, आप दोनों तरफ से कोशिश करें जब जाके आपको नया सुख मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप यदि चाहते हैं और आपके सपने भी इतने बड़े हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए ये करे या वो करे, तो उसके लिए आपको वास्तु टिप्स का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि वास्तु के अनुसार ही आप अपने जीवन में नई दुनिया की खुशियां लेकर आ सकते हो। क्योंकि शादी के बाद का जीवन सभी लड़की हो या लड़का, सभी के लिए एक अद्भुत वह पल होता है जिसमें वह अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने साथ वह पल बिताते हैं जिसमें वह अपनी उन कल्पनाओं को पूरा करते हैं जो कल्पनाएं उन्होंने शादी से पहले की थी, यानी कि शादी के पहले देखे हुए सपनों को पूरा करने का सबसे अहम मौका यही होता है और यही पल भी होता है जब मैरिड लाइफ उनकी जिंदगी में पहला कदम रखती है। तो आज जानते हैं कि कौन से वास्तु टिप्स करने से आपके जीवन में यानी आपकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ आएगी। जब लड़की की शादी होती है तो लड़की शादी करने के बाद अपने ससुराल में पहली बार आती है और पहली बार आने के बाद उसे मुख्य द्वार पे खड़ा करके उससे आरती करा के, आरती करने के बाद उसे घर में पहला प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। तो आप खास ख्याल रखें, यदि आप लड़की हैं तो आप पहला कदम जब प्रवेश करते हैं तो आप मुख्य द्वार पे पहला कदम रखते ही तेजी से अपने बेडरूम की तरफ बिल्कुल ना जाएं। आप अपना पहला कदम सीधा रखें और सीधा रखने के बाद जैसे राइट लेफ्ट करके जैसे चलते हैं और जैसा कदम आपका बढ़ता जाए वैसे ही बढ़ाएं, लेकिन पहला कदम आप खास ख्याल रखें कि आप सीधा ही बढ़ाएं, क्योंकि सीधा पैर रखने से आपके घर में यानी कि जो आपका नया परिवार बनने वाला है, जो बन चुका है, उसके जीवन में नई खुशियाँ लाने का सबसे महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है, और जिससे आपका सीधा हाथ बढ़ाने से आप उस रिश्ते की डोर को थामे रखती हैं, क्योंकि सीधा हाथ या सीधा पैर हमारा सबसे ज़्यादा फुर्तीला और चुस्त माना जाता है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हम सीधा हाथ ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कार्य में किया जाए वह सीधा हाथ हम ज़्यादातर आगे बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आप शादी के बाद ससुराल में पहला कदम भी सीधा ही रखें, वह आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आएगा। आप अपने बेडरूम को सजाने के लिए सबसे ज़्यादा गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें, हंसते हुए बच्चों का इस्तेमाल करें, यानी कि हंसते हुए पोस्टर बच्चों के होने चाहिए। अगर कैलेंडर लगाते हैं अपने बेडरूम में तो कैलेंडर में भी आपके सुंदर सुंदर आकृति होने चाहिए जो आपके दिल को खुश करें और आपके चेहरे पर नई चमक लेकर आते हैं। ऐसे आपकी ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ भी उसी तरह से आपको मिलेंगी जैसे आपको जानते ही नहीं हैं। तो आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच में प्यार हमेशा बना रहे, तो उसके लिए आप गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुलाब के फूल, लाल कलर के फूल प्यार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लाल कलर के गुलाब आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आ सकते हैं। विवाह के शुरुआती दिनों में यानी कि शादी के कुछ दिनों में आपको अपने बेडरूम के बहुत सारी डेकोरेटेड करना ज़रूरी है, जैसे लाल कलर का यूज़ ज़्यादा करें, रेड कलर आपके प्यार का प्रतीक है और आपके बीच में हमेशा प्यार बना रहे तो आप उस चीज़ के लिए आप रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप कोशिश कर सकते हैं कि रेड कलर के आप फ्रूट भी खा सकते हैं, ये आपको खुश भी करेंगे और आपके जीवन में नई खुशियों के आने वाले रंग को भी आपके जीवन में सजाएंगे। यदि आपके बेडरूम में मिरर लगा रखा है या फिर बेड के पीछे हो या फिर बेड के सामने, तो आपको मिरर नहीं लगाना है। और यदि आपका कमरा छोटा है जिसकी वजह से आपको मिरर
वहीं लगाना पड़ रहा है या दर्पण उसी जगह लगाना पड़ रहा है जगह की कमी के कारण, तो आप उसे हमेशा ढक कर रखें, क्योंकि वह आपको नेगेटिव ऊर्जा देता है जिसकी वजह से पति पत्नी में वाद विवाद हो सकते हैं। वाद विवाद होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े ज़्यादा अधिक बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि यदि कमरा छोटा है और जिसकी वजह से आपको दर्पण लगाना पड़ भी रहा है तो आप उसे हमेशा ढक कर रखें, पर्दा लगा कर रखें, जिससे कि आपके घर में और आपके जीवन लाइफ में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा मिक्सित ना हो, आपका जीवन सुखमय रहे और सकारात्मक बना रहे। आप चाहते हैं कि बेडरूम में नकारात्मक बिल्कुल भी कोई चीज ना आए तो आप पौधे बिल्कुल ना लगाएं। बेडरूम आपका एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ समय व्यतीत कर सकती हैं, क्योंकि आपका पूरा दिन बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं हो पाता है। अगर आपके पति ऑफिस जाते हैं तो वह ऑफिस सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, और पत्नी जाती है तो भी सुबह और शाम तक का बिल्कुल टाइम स्पेंड ही नहीं हो पाता। लेकिन रात का समय आपका सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। यदि आप रात के समय में अपने पति या पत्नी दोनों दाम्पत्य जीवन में खुशी चाहते हैं तो अपना ज्यादातर समय आप एक दूसरे के साथ बिताएं। नकारात्मक चीजों को दूर करता है और सकारात्मक लेकर आता है, जिससे आपके पति पत्नी के जीवन में जितनी भी समस्याएं और बाधाएं हैं वे दूर हो जाती हैं। तो ये हैं वह चीजें यदि आप करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशनुमा रहेगा, खुशियां भरी रहेगा, जिसकी वजह से आपका जीवन अच्छे से बीतेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।